हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 46, क्लास 10th है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस और डेट है 17 दिसंबर। आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, ठीक है? तो हम उसके पार्ट पढ़ ही रहे थे, जैसा कि उसका नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, ठीक है? इन रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो भी सोर्सेज यूज़ होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं जैसे कि हमें दिखाया गया है, ठीक है? एक हमारा होता है एग्रो बेस्ड और एक होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या आता है, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल हो गया, शुगर हो गया और जूट इंडस्ट्री, ये सब आते हैं एग्रो बेस्ड में, ठीक है? इसमें आता है, मिनरल बेस्ड में होता है जैसे कि आयरन स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्निकल इंडस्ट्री, ये सब आते हैं हमारे बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पर, ठीक है? जिसको हम दो पार्ट में बांटा गया, एग्रो में और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है? उसके बाद हमें कॉटन टेक्सटाइल के बारे में बताया है। कॉटन टेक्सटाइल के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854, यानी कि जब पहला सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल जो था एस्टेब्लिश हुआ था तो वो कहाँ हुआ था, यहाँ पर मुंबई में 1854 में, ठीक है? उसके बाद महात्मा गांधी लेड एब्सेसेस ऑन द स्पिनिंग ऑफ यार्न, यानी कि उन्होंने जब यार्न चलाया था, चक्री स्पिनिंग की थी, एंड वियरिंग खाड़ी सो दैट द वेवर्स कुड गेट एम्प्लॉयमेंट, और उससे क्या हुआ था, जो वेवर्स थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके बाद इन द अर्लियर ईयर, जो अर्लियर ईयर था, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसंट्रेटेड इन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट, उन्होंने क्या करा, कॉटन की ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात की बेल्ट को क्या क्या ग्रो किया। अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का अवेबिलिटी का, मार्केट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पोर्ट, लेबर एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, जो मॉइस्ट सॉफ्ट क्लाइमेट था उसमें कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड इट लोकेशन, उसकी लोकेशन पे कंट्रीब्यूट किया, ठीक है? वाइल स्पिनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, जब भी वो कंटिन्यू हुआ, सेंट्रलाइज्ड हुआ, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, वीविंग इन हाईली डिसेंट्रलाइज्ड, है ना, टू प्रोवाइड स्कोप, उनको क्या प्रोवाइड किया, स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स के लिए एंड डिज़ाइन ऑफ वीविंग, डिज़ाइन के लिए इन कॉटन सिल्क, ये सब कपड़े के नाम है ना, कॉटन सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा, इन पर डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है? आगे हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पूछा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि सबसे फास्टेस्ट, ठीक है? उसके बाद चाइना, USA एंड इंडिया आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ किसके, टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल के, ठीक है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट अ लोकेशन डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, जो उनकी लोकेशन है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, सच एज, जैसे कि अवेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, कच्चे कॉटन की डिमांड, है ना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ये सब, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1, ठीक है? अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पूछा, डिस्क्राइब द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इसको डिस्क्राइब करना है। ये रहा हमारा सेकेंड आंसर, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल ऑर्स एज देयर रॉ मटेरियल,
आयरन मेड फॉर फ्रॉम आयरन और इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. दिस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस. ये हो गया हमारा आंसर नंबर सेकंड. तो यही थी हमारी आज की वर्कशीट.